ताजा तरीन सच्ची और प्रमाणिक खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें NS Now। नमस्कार, आप देख रहे हैं NS Now। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों व कार्मिकों के संगठनों से वार्ता व विचार विमर्श करने व उनकी मांगों व समस्याओं के समाधान हेतु समिति गठित किया गया है। आज हम आपको उस गठित समिति में कितने सदस्य हैं और कौन कौन सदस्य हैं इनके बारे में बताएंगे और साथ ही वो आदेश भी दिखाएंगे। तो उससे पहले NS Now पे नए हैं तो NS Now को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा लेटेस्ट न्यूज अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त वो आदेश दिख रहा है, कार्यालय अपर मुख्य सचिव गृह गोपन वीजा पासपोर्ट कारागार एवं सतर्कता विभाग उत्तर प्रदेश सरकार। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा विभाग, यहाँ पर आप तारीख देख सकते हैं 23 अक्टूबर 2021, कल की तारीख है। अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री के पत्र संख्या 1166 NCS CM 2021 दिनांक 22/10/2021 का संदर्भ लेने का कष्ट करें, जिसके द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों व कार्मिकों के संगठनों से वार्ता विचार विमर्श करने व उनकी मांगों व समस्याओं के समाधान हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कमेटी गठित करते हुए अधोहस्ताक्षरी को अध्यक्ष नामित किया गया है। कृपया बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित उक्त शिक्षकों व कर्मियों के संगठनों द्वारा दिए गए मांग पत्र, समस्याओं आदि के संबंध में विभागीय टिप्पणी आख्या अपने अभिमत संतुष्टि सहित कल दिनांक 24/10/21 तक अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अवनीश कुमार अवस्थी, अपर मुख्य सचिव गृह गोपन वीजा पासपोर्ट कारागार सतर्कता विभाग उत्तर प्रदेश शासन। तो यहाँ पर इस आदेश में साफ लिखा गया है कि शिक्षा विभाग में जो जो भी समस्याएं हैं उसको 24 तारीख तक अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराया जाए। अब हम आपको बता दें कि जिस कमेटी से ये अपेक्षा की गई है या फिर मुख्यमंत्री जी द्वारा जो कमेटी गठित की गई है उस कमेटी में कौन कौन हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों व कार्मिकों के संगठनों से वार्ता व विचार विमर्श करने व उनकी मांगों व समस्याओं के समाधान हेतु निम्नलिखित समिति गठित की जाती है। यहाँ पर उसके अध्यक्ष हैं खुद अपर मुख्य सचिव जो गृह हैं श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, और इसके दो सदस्य हैं अपर मुख्य सचिव वित्त और अपर मुख्य सचिव कार्मिक। इसके सदस्य सचिव हैं श्री दीपक कुमार, प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा। उक्त समिति बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों व कार्मिकों के संगठनों की मांगों व समस्याओं पर विचार विमर्श करके उनकी मांगों व समस्याओं का को यथाशीघ्र समाधान कराना सुनिश्चित कराएगी। तो ये थी आज की बड़ी खबर, जहां पर मुख्यमंत्री द्वारा कमेटी गठित करके और 24 तारीख तक इसका जवाब मांगा गया है कि आखिर शिक्षकों की समस्याओं को जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का यथाशीघ्र आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं उसका समाधान कराना सुनिश्चित किया जाए। इस खबर पर अपनी राय आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। NS Now पे नए हैं NS Now को सब्सक्राइब कीजिए लेटेस्ट न्यूज अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।